हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि किस तरह से डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो हमने दो तरीके डिस्कस किए थे, एक क्या था सिंपल मेथड और एक क्या था डिवीजन मेथड। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि इसका रिवर्स कैसे करना है, मतलब बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आज का यही स्क्रीन हम जो देख रहे हैं, आज हम लोग यही सॉल्व करेंगे। मैं कुछ दो तीन एग्जांपल भी समझाऊंगा, आप आराम से कीजिएगा उसको। तो बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आपको एक बाइनरी दे रखी होगी और आपको उसका डेसिमल फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से करते हैं फाइंड आउट, ये बहुत ही सिंपल मेथड है। एक बार अच्छे से देखिएगा उसको कि किस तरह से किया जाता है ये। सबसे पहले हम लोग एक वही पुरानी टेबल लेंगे जो कि हमने ली थी। ये 2 की पावर की टेबल है, जिसको हमने स्विचेस कहा था। ये सारे स्विचेस हैं, ये जो लाइट ब्लू कलर में दिखाई दे रहे हैं, और हर स्विच के ऊपर एक नंबर दे रखा है। ये सारे नंबर 2 की पावर में होंगे। यस, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2, 2 की पावर 2, 4, 2 की पावर 3, 8 एंड सो ऑन। आप चाहें उतना उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हाउ टू कन्वर्ट अ बाइनरी इनटू डेसिमल। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस वाले मेथड में बहुत इजी है। जो भी आपको बाइनरी दे रखी है, आप उस बाइनरी को यहां पर फिल कर ले। सपोज कीजिए, मैंने बाइनरी जो ये दे रखी है, इस बाइनरी का मुझे डेसिमल निकालना है, तो मैं इसको फिल करूंगा 1 0 1 1 0 1 और 1। ध्यान रहे, आपको बाइनरी जो है वो इस एंड से करनी है। इस एंड को हमने नाम दिया था LSB। तो शुरुआत बाइनरी के यहीं से करेंगे, आपको इस कॉर्नर से शुरुआत नहीं करनी है। यस, तो आपको ये बाइनरी जो हमने यहां से क्वेश्चन में दी रखी थी, इस बाइनरी को हम राइट साइड का जो पोर्शन है, जिसको हम लोग LSB बोलते हैं, वहां से फिल करना शुरू करेंगे, उसी सिक्वेंस में जिस सिक्वेंस में ये दे रखी है। यस, नाउ तो एक बार ये फिल हो गई, अब हमें इसका डेसिमल निकालना है। तो बहुत इजी है, आपके पास जहां जहां ये नंबर दे रखे हैं 1, उसके ऊपर का जो स्विच का नंबर है, आपको उसको ऐड करना है। जैसे कि आपको 1 ऐड करना है, 2 ऐड नहीं करना क्योंकि 2 ऑफ है, 4 ऐड करना है, 8 ऐड करना है, 16 को ऐड नहीं करना है क्योंकि ये 0 पर है। तो जहां जहां 1 आ रहा है बाइनरी का, उसके ऊपर जो नंबर आपको गिवन है, आपको उसको ऐड करना है। क्लियर? तो अभी हम लोग ऐड करते हैं। यस, तो सबसे पहले ऐड करते हैं 64। मैं थोड़ा सा मार्कर यूज कर लेता हूं। सबसे पहले ये ऐड करना हमें 64 प्लस 32, कितना हो गया? ये हो गया 96। 96 प्लस 8, 96 प्लस 8, ये हो गया हमारे पास में 104। 96 प्लस 8 अगर हम लोग करते हैं 104, देन और इसमें 4 ऐड करेंगे तो ये हो गया 108, और इसमें 1 ऐड करेंगे तो हो गया 109। तो आपको ये जो नंबर है, जहां जहां 1 है, उसको ऊपर वालों को ऐड करना है। तो सबसे पहले हमने ऐड करना है 64 को, देन 32 को, तो ये हो जाएगा हमारे पास 96। 96 में 8 ऐड करेंगे तो 104, प्लस 4 करेंगे तो 108, प्लस 1 करेंगे तो 109। तो आपकी जो बाइनरी निकल के आई है, वो आई है हमारी 109। यह हो गया डेसिमल में कन्वर्ट। मैं आपके लिए एक एग्जांपल और ले लेता हूं, ठीक है? सपोज करें कि आपको बाइनरी दे रखी है ये वाली 111 और 1, ठीक है? सिंपल बाइनरी है। और अब इसका हमें निकालना है कि इसका डेसिमल क्या होगा। तो इसको हम लोग निकाल देते हैं, इसको मैं अभी इरेज कर देता हूँ, ये पुराना क्वेश्चन हटा देता हूँ। नाउ तो करना क्या है, जो भी आपको बाइनरी दे रखी है, आपको इस एंड से उसको फिल करना है। तो इसको इरेज कर देता हूँ, इस वाले को। नाउ अब ऐड करते हैं 1 1 1 और 1, यही बाइनरी है। अब जहां जहां 1 है, उसके ऊपर के जो नंबर है, अपन को उनको काउंट करना है ना, ऐड करना है। तो ऐड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले 8 प्लस 4, 12 प्लस 2, 14,
14 प्लस 1 15, तो इसका आंसर क्या आएगा 1515। क्लियर है? चलिए एक एग्जांपल और ले लेता हूं, आपको और क्लियर हो जाएगा। अब मैं बाइनरी को चेंज कर लेता हूं और सपोज करो बाइनरी मैंने दे दी है 1, ये कुछ रैंडमली मैंने एक बाइनरी दे दी है, ठीक है। अब अपने उस बाइनरी को चेंज करते हैं और देखते हैं इसका क्या डेसिमल आता है। तो 1, कितने जीरो मैं काउंट कर लेता हूं, 1 2 3 4 5, 5 0। तो 1 2 3 4 5, देन 1। तो ये जो बाइनरी आपको गिवन है, जो क्वेश्चन में आपको दे रखी होगी, वो आपको इस पोर्शन से, इस साइड से जिसको एलएसबी कहते हैं, उस साइड से आपने इसको फिल कर दिया, बिल्कुल इसी मैनर में है। यस, नाउ अब जहां जहां 1 है उसके ऊपर के जो डिजिट है उसको ऐड करना है। तो अब हम लोग ऐड करेंगे 64 और इस 1 को, तो ये कितना हो गया 65। तो ये आपकी 65 की जो बाइनरी है, इसका जो रिजल्ट आएगा डेसिमल का, वो आएगा आपका 65। होप आपको ये आइडिया, मतलब ये मेथड आपको समझ में आया होगा। ये बहुत इजी और बहुत ही एफिशिएंट मेथड है। अगर आपको कोई भी इस मेथड में आपको डाउट है, ठीक है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर कर देता हूं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उस पर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं उसमें क्या है। ये है हमारा लास्ट टॉपिक जिसको हम लोग नाम दे रखे हैं करेक्टर एनकोडिंग स्कीम। अब ये करेक्टर एनकोडिंग स्कीम क्या है और इसका बाइनरी से क्या ताल्लुकात है, कैसे, ठीक है, वही हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग, ये करेक्टर एनकोडिंग स्कीम क्या है। हम सभी लोग जब हम लोग कंप्यूटर में काम करते हैं तो हम कुछ ना कुछ उसको इनपुट देते हैं या कंप्यूटर से कुछ ना कुछ हमें आउटपुट मिलता है। तो कंप्यूटर को जो भी चीज हम लोग देते हैं जिसको हम लोग कहते हैं डेटा, और जो कंप्यूटर से हमें वापस मिलता है वो कहते हैं इंफॉर्मेशन। यस, तो जब भी हम लोग काम करेंगे तो या तो उस डाटा या उस इंफॉर्मेशन को या तो कंप्यूटर प्रोसेस करेगा या स्टोर करेगा। यस, जैसे कि मैं एक डॉक्यूमेंट बना रहा हूं, ठीक है, एक छोटा सा एक ऐसे लिख रहा हूं, तो ऐसे में मैंने हेडिंग लिखी, सपोज करो लिखे ऐसे ऑन इंडियन फेस्टिवल, सॉरी। तो अब मैं जो लिख रहा हूं वो है डेटा, करेक्ट है, और कंप्यूटर में ये फाइल मैं स्टोर भी कर सकता हूं या कंप्यूटर इसको प्रोसेस करके मुझे वापस आउटपुट में दिखाता है कि मैं क्या लिख रहा हूं। तो यही हमारा डेटा है। अब ये जो डेटा हम लोग कंप्यूटर को देते हैं या कंप्यूटर में वापस देता है इंफॉर्मेशन, ये जनरली नंबर और लेटर में होती है, करेक्ट है। जैसे कि मैं सॉरी, मैंने जो अभी इंफॉर्मेशन लिखी है इस स्लाइड के अंदर, है ना, तो या तो मैं इस, आप इस स्लाइड को देखे तो या तो इसमें इंग्लिश के लेटर्स यूज कर रखे मैंने, यस, या फिर कोई नंबर यूज कर रखे या सिंबल। तो ये जो डेटा और इंफॉर्मेशन है ये नंबर और सिंबल और लेटर में हो सकती है। अब ये जो लेटर है ये इंग्लिश के, हिंदी के या किसी भी लैंग्वेजेस के हो सकते हैं। तो ये जो नंबर है या लेटर्स है इंक्लूडिंग सिंबल्स, इनको हम लोग कंप्यूटर में बोलते हैं करेक्टर सेट, करेक्ट है। तो हमारे पास जो कंप्यूटर होता है इसमें अलग अलग करेक्टर सेट्स होते हैं। हम लोग जनरल करेक्टर सेट की बात करते हैं कि हर कंप्यूटर के अंदर आपके पास जो करेक्टर सेट मिलेंगे वो मिलेंगे ये स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जेड और कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड। देन आपको कुछ नंबर्स मिलेंगे 0 to 9, देन आपको सिंबल मिलेंगे। तो ये जितने भी करेक्टर सेट है ये आपके कीबोर्ड पर गिवन होते हैं, है ना, बटन के फॉर्म में। तो आप इनको यूज करते हुए कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन बनाते हो। सपोज कीजिए कि आपको मैंने एक एग्जांपल दिया है, हेलो, सॉरी, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि इन करेक्टर से मैंने डाटा या एक इंफॉर्मेशन का एग्जांपल दिया, जैसे कि हेलो, और जरूरी नहीं कि इसमें स्पेलिंग सही हो, स्टूडेंट 2 + 3, ये हमारा डाटा या इंफॉर्मेशन होती है, करेक्ट है। तो जब हम लोग इसको लिखते हैं किसी भी वर्ड को या किसी भी इक्वेशन को, तो हम लोग इसमें यूज क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग यूज कर रहे हैं करेक्टर सेट।
और हमें क्या क्या अलाउड है, इंग्लिश के करेक्टर और नंबर्स और सिंबल्स अलाउड है। तो यही हमारे पास करेक्टर्स होते हैं जिसके हम लोग जिसको यूज करते हुए हम लोग डेटा या इंफॉर्मेशन को जनरेट करते हैं या बनाते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि ये जो हम लोग लिखते हैं, हमारे जो कीबोर्ड पर करेक्टर दे रखे हैं, जब इसको हम लोग टाइप करते हैं कीबोर्ड से या जब इसको प्रेस करते हैं, ठीक है, जैसे कि कैपिटल ए हो गया, कैपिटल डी हो गया, सिक्स हो गया, एट हो गया, या कोई भी @ सिंबल हो गया, डॉलर सिंबल हो गया, जो हमारे कीबोर्ड पर अवेलेबल है, जो करेक्टर सेट हमारा, तो जैसे ही हम जब इसको प्रेस करते हैं तो क्या कंप्यूटर उसको उसी फॉर्म में समझता है? यस, या इसको कुछ कन्वर्ट करता है? तो हम लोग देखते हैं कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर को केवल और केवल बाइनरी समझ में आती है। सॉरी अगेन फॉर डिस्टर्बेंस। तो हम लोग शुरू करते हैं, तो हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग पहले ही जानते हैं या हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर केवल बाइनरी समझता है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या हो या क्या होता है जब हम लोग कंप्यूटर को अल्फाबेट नंबर या सिंबल देते हैं, कंप्यूटर तो केवल बाइनरी समझता है। यस, तो ये जो प्रॉब्लम है उसी का सॉल्यूशन हमारे पास करेक्टर एनकोडिंग स्कीम देता है। तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी, कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी समझता है, करेक्ट है, 01 समझता है। और हम लोग कीबोर्ड पे क्या प्रेस कर रहे हैं, कीबोर्ड पे प्रेस कर रहे हैं कोई भी अल्फाबेट, इंग्लिश का या हिंदी का या फिर कोई नंबर या कोई सिंबल। तो जो प्रॉब्लम है वो ये है कि देयर इज अ प्रॉब्लम दैट द डेटा या इंफॉर्मेशन दैट वी अंडरस्टैंड कैन बी इन अ नंबर और लेटर। जो हमें समझ में आता है वो नंबर और लेटर ही, हमें बाइनरी समझ में नहीं आती है, हमें मतलब एक आम यूजर को। बट कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी, कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी चाहिए। तो हमें क्या करना है, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ता है या एक मेथड चाहिए जो हम कन्वर्ट करें हमारे डाटा को, करेक्टर और नंबर या सिंबल्स को एक बाइनरी फॉर्म में। तो ये जो कन्वर्जन का मेथड है कि जब हम लोग इनपुट देते हैं तो हमारा जितने भी करेक्टर्स है वो कन्वर्ट हो जाते हैं बाइनरी में, और जब इंफॉर्मेशन मिलती है तो बाइनरी कन्वर्ट हो जाती है वापस करेक्टर और करेक्टर सेट में, नंबर और सिंबल्स में या अल्फाबेट में। तो ये जो मेथड है कन्वर्जन का, इसी मेथड को हम लोग करेक्टर एनकोडिंग कहते हैं। तो अगर हम आपसे पूछें व्हाट इज करेक्टर एनकोडिंग, तो करेक्टर एनकोडिंग इज अ मेथड टू कन्वर्ट करेक्टर्स इन बाइनरी, करेक्टर्स इन डाटा इनटू बाइनरी फॉर्म और वाइस वर्सा। मतलब आपने जो भी करेक्टर दिए हैं, जो भी आपने डेटा दिया करेक्टर के फॉर्म में, जैसे सपोज करो आपने दिया ABC, तो एनकोडिंग स्कीम के थ्रू ही हमारा कंप्यूटर इस डाटा को कन्वर्ट करता है इस बाइनरी में, यस, और फिर उसको प्रोसेस करता है या स्टोर करता है, फिर इसी बाइनरी को वापस कन्वर्ट करता है ABC या उसके पर्सपेक्टिव जो भी डाटा है उसमें, और वो हमें दिखाई देता है। तो ये जो कन्वर्जन मेथड है, जो तरीका है, यही करेक्टर एनकोडिंग समझाता है कि किस तरह से आपने सपोज करो आपने लिखा HELLO, हेलो, तो ये जो हेलो है इसकी बाइनरी कैसे बनेगी। जैसे आप सपोज कीजिए आपने अपने दोस्त को हेलो लिखकर भेजा व्हाट्सएप पर, तो जब आप लोग अपने मोबाइल पर हेलो टाइप करते हो तो आप तो इंग्लिश के लेटर टाइप कर रहे हो, आपका जो सॉफ्टवेयर है पर्सपेक्टिव जो मोबाइल का है, जो सॉफ्टवेयर है वो उसको कन्वर्ट करता है HELLO हेलो को कन्वर्ट करता है हमारे बाइनरी फॉर्म में, यस, और उसको सेंडर को भेज देता है, रिसीवर को, फिर रिसीवर के साइड पर उस बाइनरी से वापस वो मैसेज जनरेट किया जाता है हेलो, और उसको आपके फ्रेंड को हेलो दिखाई देता है। तो ये जो बार बार कन्वर्जन होता है डेटा या जो हमारे करेक्टर इनटू बाइनरी एंड बाइनरी इनटू करेक्टर, तो ये जो मेथड है कन्वर्जन के, ये मेथड कहलाते हैं करेक्टर एनकोडिंग स्कीम्स। तो यही हम लोग पढ़ने वाले हैं। हमारे पास में बहुत सी करेक्टर स्कीम्स होती है, अवेलेबल है, लेकिन हम जो हमारे सिलेबस में है वही करेक्टर स्कीम्स हम लोग पढ़ेंगे, वही तरीका हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि यू तो बहुत ज़्यादा है हमारे पास अवेलेबल इन कंप्यूटर साइंस। तो अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम लोग जो मेजरली पढ़ेंगे वो तीन है, एक तो ASCII, ASCII के अंदर दो वर्जन है 7 और 8 वाला, जिसको ASCII 7 और ASCII 8 कहा जाता है। सेकेंड है ISCII, ठीक है, इसको ISCII या ISCII 8 भी कहा जाता है, वो थर्ड वन है यूनिकोड,
और भी बहुत सारे हैं जिसको हम लोग अभी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमारे सिलेबस में, तो हम लोग केवल तीन ही स्कीम पढ़ेंगे। देखते हैं कि इन तीनों स्कीम क्या समझाती है या कैसे इसके अंदर किसी भी करेक्टर को कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी में, या बाइनरी से वापस करेक्टर को कन्वर्ट किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कि ये मेथड कैसे वर्क करते हैं और किस तरह से ये यूज किए जाते हैं हमारे सिस्टम में। होपफुली आज की क्लास आपकी क्लियर हुई होगी। अगेन फिर भी आपको कोई भी डाउट है किसी भी तरह का, चाहे वो कन्वर्जन मेथड में हो, चाहे हमारे करेक्टर इनकोडिंग स्कीम्स में हो, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।